दोषी तो पांचों ही थे, जो पांचवें को कम सजा दी उसी से हम दुखी हैं। इसलिए इन चारों को तो निश्चित तौर पे फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आरोप इतना जघन्य है। और दोनों हो गए, अब तो गैंगरेप के साथ हत्या भी हो गई, तो रेप और हत्या में फांसी का प्रावधान हो, इसके लिए कानून भी पारित हो गया। तो नए कानून के तहत ये पहला केस होगा जिसमें फांसी की सजा दी जाए। और मैंने तो इस बार भी लोकसभा में कहा था कि अगर इन चार लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी तो एक मॉडल बन जाएगा और ये जो बलात्कारों की एक बाढ़ आ गई है वो रुकेगी। क्योंकि अरसे से ये मामले चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप रोज से पढ़ते हैं कि कुछ ऐसी सजा देनी चाहिए कि सजा अपने आप में एक संदेशा पहुंचाए तमाम उन लोगों को जो इस तरह की हरकत करते हैं। मैं इस राय की हूं कि कभी भी ऐसा मुद्दा हमारे सामने ना आए, क्योंकि मैं इस बात की जानकारी रखती हूं कि एक बंदा ऐसा था जिसको दूसरी दफा रेप के केस में पकड़ा गया, ये बात कभी होनी ही नहीं चाहिए। पहली बार ही वो ऐसी हरकत करे, ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो दोबारा ऐसी सोच भी ना सके। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ, मुझे इस बात की तसल्ली है कि तमाम उन लोगों को जो पकड़े गए थे अपराधी पाया गया है, और मैं इस उम्मीद में हूँ कि कल जब सजा उनको बताई जाएगी वो ऐसी सजा हो कि दूसरे कांपें सजा सुनकर।